पहले भी कह चुके हैं, इस षड्यंत्र में जस्टिन का कोई हाथ नहीं है। तुमने उसे सख्ती से पूछा कि वो मंदिर क्यों जाना चाह रहा है? प्रार्थना करने और क्यों जाएगा वो मंदिर? मेरा दिल नहीं मानता है नूर। जितना मैं जस्टिन को जानता हूँ, मुझे पता है कि उन्हें इन सब चीजों में यकीन नहीं है। फिर एकदम से ईश्वर के लिए ये विश्वास कहां से पैदा हो गया? कोई तो बड़ी बात जरूर है नूर, और ये बड़ी बात सिर्फ उसकी माँ की बेहोशी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता बाबा, बताइए ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक बेटा अपनी माँ की जान की सलामती के लिए मंदिर क्यों नहीं जा सकता? बताइए, आपको जस्टिन पर हमेशा शक क्यों होता है? और आपका बस चले तो आप ये साबित कर दें कि ये जो कुछ भी हुआ है वो जस्टिन ने किया है। लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं, आपके कहने पर जस्टिन ने हमारी जान बचाई, हमारे श्यामक की जान बचाई है। उस वक्त तो आपको जस्टिन पर विश्वास था, तो फिर अब क्या हो गया? मैं जस्टिन पे कभी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक यूनानी है, और मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी साजिश में यूनानियों का हाथ जरूर होगा। जस्टिन की माँ हेलेना हमेशा से यही चाहती थी किस तरीके से बिंदुसार को हटाया जाए और जस्टिन को सम्राट बनाया जाए। तुम्हें पता है नूर, तुम्हारी शादी के पहले भी बिंदुसार पर एक बार हमला हुआ था। उसी हमले में तुम्हारा भाई शहीद हो गया था। बिंदुसार का कुछ दिनों तक पता भी नहीं था, और वहां हेलेना जस्टिन का राज्याभिषेक करने की तैयारियां कर रही थी। उन्हें बिंदुसार की मौत पे इतना यकीन था कि मुझे तो शक हो चला था कि शायद उस हमले में उनका ही हाथ हो। हो सकता है बाबा कि ये जो कुछ भी हुआ हो उसमें राजमाता का हाथ हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें जस्टिन भी शामिल हो। शामिल ना भी हो, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि जस्टिन को इस साजिश का कुछ भी पता नहीं था। कुछ ना कुछ तो उसे पता था ही नूर। हो सकता है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए सब कर रहा है, और अगर वो ऐसा कर रहा है नूर, तो राजा जी राज के पकड़े जाने के बाद जस्टिन को भी दरबार में एक अपराधी की तरह पेश होना पड़ेगा। क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हम जस्टिन से मोहब्बत करते हैं बाबा, हर कदम पर जस्टिन ने हमारा और श्यामक का साथ दिया है, हमारी जान बचाई है, हमें जस्टिन की फिक्र है। सच बताओ नूर, क्या जस्टिन को इस साजिश के बारे में पता था? नूर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मैं जानना चाहता हूं, क्या जस्टिन को इस साजिश के बारे में पता था? था। पता था, मुझे ऐसे ही लगता है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो श्यामक? आग लगने से पहले उन्होंने मुझे और माँ को इस भवन से बाहर जाने के लिए कह दिया था। उन्होंने अपने आग रक्षक को धन भी दिया था हमें सुरक्षित पुराने भवन में ले जाने के लिए, किंतु सांग रक्षक ने धोखा करके हमें कक्ष में बंद कर दिया। अगर श्यामक ने बिंदुसार को ये बता दिया कि जस्टिन ने उसे और नूर को बचाने की कोशिश की थी, तो बिंदुसार जस्टिन और नूर के रिश्ते को लेकर शक करने लगेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनो श्यामक, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया है ये किसी और से मत कहना, बिंदुसार से भी नहीं। इस वक्त जो हालात हैं, यहां किसी पर भी यकीन नहीं किया जा सकता, किसी पर नहीं। जैसा कि मुझे सूचित किया गया है कि आप और आपके भ्राता दोनों ही राजमाता के स्वस्थ होने के लिए हवन द्वारा देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं। सम्राट, आप हवन के लिए स्थान ग्रहण करें। राजकुमार जी, आप भी स्थान ग्रहण करें। अगर बैठ गया तो फिर यहां से उठना मुश्किल हो जाएगा, और कहीं इसमें देर ना हो जाए। अब मना करूं भी तो कैसे, मैंने ही तो मितेरा के लिए यहां आने का नाटक किया था। सम्राट, देव स्नान के लिए शुद्ध जल चाहिए। मैं लेके आता हूं। नहीं अशोक, रुको।
सम्राट, ये पूजा मिथेरा के लिए की जा रही है। मैं चाहता हूं कि सारा प्रबंध मैं स्वयं ही करूं। और मैंने सुना है कि इससे ईश्वर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अवश्य राजकुमार। तो मैं भी चलता हूं। नहीं सम्राट, आप स्थान ग्रहण कर चुके हैं, इनको जाने दीजिए, एक ही बात है। अशोक, तुम भी भ्राता जस्टिन के साथ जाओ। नहीं सम्राट, अशोक के आने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं करूंगा। मैं अभी आया। पंडित जी, कलश। अहंकार और अग्निशिका कहां होंगे, जहां कहीं भी हो वो दोनों सुरक्षित रहे। मेरी पुत्री अहंकारा मुझे स्मरण कर रही होगी, मेरे बिना रह नहीं पाती थी। मेरी पुत्री अहंकारा। उस दिशा में जाओ और तुम उधर। वही अनुमान लगा लिया होगा जो मैंने लगाया था, इसलिए यहां पहुंच गया। अगर राजा जी राज अंदर हुआ तो अवश्य पकड़ा जाएगा। किया। तो यहाँ क्यों छुपे हो? मैं चरवा हूँ। मेरी बकरी खो गई थी, उसी को ढूंढने आया था। मैंने कुछ नहीं किया। जाओ, अपने घर जाओ, नहीं तो मारे जाओगे यहाँ, समझे ना? हाँ, चलो। जीवित रहना है तो यहां से शीघ्र पलायन करना होगा। hmm.
मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो चरवा हूँ, मेरी मेरी बकरी गुम हो गई थी इसलिए आया था, मुझे छोड़ दो। नाटक अच्छा कर लेते हो, किंतु मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, वरना जिस तरह उन सैनिकों को यहाँ से दूर भेजा है उसी तरह उन्हें वापस भी बुला सकता हूँ। बुलाऊ? जलाशय यहाँ से दूर है? नहीं सम्राट, इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। मुझे तो चिंता इस बात की है कि पूजा के लिए ये शुभ मुहूर्त है, अगर ये बीत गया तो अगला मुहूर्त कल का निकलेगा। अशोक, तुम जाके देखो भ्राता जस्टिन कहाँ रह गए। सम्राट, किंतु मैं आपको यहाँ अकेले कैसे? मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ। आज वो देश जो ही बचने ना पाए। मुझे देखकर भाग क्यों रहे थे? महाराज, मैं चरवाहा हूं, मेरी मेरी बकरी कहीं खो गई थी, उसी को ढूंढ रहा था। अगर बकरी को ढूंढ रहे थे तो मुझे देखकर क्यों भाग रहे थे? महाराज, वो बकरी चोरी की थी, मुझे लगा आप उसके लिए मुझे पकड़ने आए हो। क्षमा कर दीजिए महाराज, दोबारा चोरी नहीं करूंगा। जाने दीजिए महाराज। ये झूठ बोल रहे हैं। वही राजद्रोही हैं जिन्हें हम सब ढूंढ रहे थे। राजाजी राज। हाँ आचार्य, इन्होंने अपना रूप परिवर्तित करने का अच्छा प्रयास किया, सारे आभूषण भी उतार दिए, लेकिन अति शीघ्रता में मूर्खता अवश्य हो जाती है। जैसे ये गले का आभूषण निकालना भूल गए। बिल्कुल ऐसे ही आभूषण इनकी पुत्री के पास भी है। आचार्य, अशोक, पकड़ो उसे। समर्पण कर दीजिए राजा जी राज,
नहीं तो आपके पापों का दंड अहंकारा को भुगतना पड़ेगा। अहंकारा, मेरी पुत्री को। कैसे पिता हो आप, अपनी पुत्री को पीछे छोड़कर स्वयं भाग लिए। पता है क्या संकट आया उस पर? आपकी दुष्कृतियों पे इतनी लज्जित हो गई थी वो कि आत्महत्या करने वाली थी, पर मैंने आत्महत्या करने से तो रोक लिया, पर वो जीवित नहीं बचेगी। सम्राट ने आदेश दिया है कि उसे 3 दिन में मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नहीं, उसे केवल आप ही बचा सकते हो उसकी निर्दोषता प्रमाणित करके। किंतु मेरी पुत्री अहंकारा तो निर्दोष ही है। जिसके पिता ने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा, संसार उसकी संतान तो क्या, उसके समस्त वंश को अपराधी मानेगा। अपने पापों का दंड उसे मत भुगतने दो। वो पहले ही आपके द्वारा किए गए विश्वासघात से टूट चुकी है। मेरे पुत्र, तुम इस कायर को क्या समझा रहे हो अशोक? प्राणों की रक्षा करने हेतु अपनी पुत्री को संकट में अकेला छोड़ आता है, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? कितना गिर गए हो तुम राजा चिराज? ऐसा लज्जाजनक, ऐसा अनैतिक कार्य। मेरे भाई की हत्या का प्रतिशोध लेना ही मेरा लक्ष्य है। उसके लिए कौन सा मार्ग लेना है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है राजा जी राज, महत्वपूर्ण है। एक राजा के लिए महत्वपूर्ण है कि वो वीरता का प्रतीक बने, कायरता का नहीं। कोई ऐसी कायरता, विवाह के निमित्त इतने निर्दोष व्यक्तियों को भस्म कर दिया तुमने। अरे खटले के रणभूमि में चुनौती देते मुझे, मैं आता अकेला आता, डरते मुझसे एक राजा के भांति, एक योद्धा के भांति। यदि मुझे मार के तुम प्रतिशोध लेते तो मैं तुम्हारा सम्मान करता, किंतु ऐसा विश्वासघात कि क्षण में प्राण ले सकता हूं तुम्हारे, किंतु नहीं, क्योंकि तुम केवल मौर्य वंशियों के ही नहीं, समस्त मगध के अपराधी हो, मानवता के अपराधी हो। राजा जी राज, अभी तक तुमने हमारा आतिथ्य देखा, अब हमारा न्याय भी देखो। मृत्युदंड तो अवश्य मिलेगा तुम्हें, यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हारी मृत्यु दयापूर्ण हो या निर्दयतापूर्ण, और यह निर्भर करेगा कि तुम कितने शीघ्र और कितने सत्यता से उन सभी का नाम बताते हो जो इस षड्यंत्र में सहभागी है। अवश्य बताऊंगा, किंतु कब यह मैं निर्धारित करूंगा। ले जाओ से। आज महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार को तुम मगध के सबसे बड़े शत्रु के गर्दन पर रखकर यह सिद्ध कर दिया है कि तुम इस तलवार के योग्य हो। इस तलवार का सम्मान, इसकी प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथों में सुरक्षित है। मुझे भी तुम पर गर्व है अशोक। अशोक, तुमने राजा जीराज को पकड़वाकर हमारा कार्य सरल कर दिया। हो गया। बिंदुसार से पहले जस्टिन राजा जीराज तक पहुंच गया। क्षमा कर दीजिए, क्रोध में हमें आपके आदर का ध्यान नहीं रहा। बेटी, माफी तो हमें भी मांगनी चाहिए कि हम तुम पर दोष लगाते गए, जबकि योजना हम दोनों ने मिलकर बनाई थी, तो फिर इसके जिम्मेदार भी हम दोनों ही हैं। कम से कम मुझे प्रयास तो करना चाहिए था। तुम्हारी परेशानियां और
तुम्हारी चिंताएं समझने का। किंतु अब सब ठीक है और सब हमारे अनुकूल हो रहा है। अब हम हारी हुई बाजी फिर से जीतने वाले हैं। जब राजा जी राज को सभा में लाया जाएगा तो इस षड्यंत्र का आरोप मगध का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति ले जाएगा। तुम्हारी सोच कमाल की है हेलेना, क्या योजना बनाई है। इतनी दूर की तो बिंदुसार कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। हमने कहा था ना, किसी भी परिस्थिति से निकलने का मार्ग हम ढूंढ सकते हैं, प्रतिकूल को अनुकूल बना सकते हैं हम।